बहुत दिनों के बाद आप सभी के लिए लेके आया हूँ एक ब्यूटीफुल मोस्ट कस्टमाइजेबल थीम जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा इस पर पसंद आने वाला है, क्योंकि ये जितना ज़्यादा अच्छा दिखाई देता है ना उतना ही अच्छा यहाँ पे आपको कस्टमाइजेशन देखने को मिलता है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच करिए और इस थीम से रिलेटेड मैं आपको सारी डिटेल प्रोवाइड कर दूंगा और साथ साथ डाउनलोड कैसे करना है वो भी आपको बता दूंगा। सबसे पहले जैसे ही आप इस थीम को अप्लाई करके अनलॉक करोगे, यहाँ पे जो वॉलपेपर है काफ़ी ब्यूटीफुल सा ग्रेडियंट टाइप का दिखाई देता है जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो आपको देखने को मिलता है डायलर जो कि हमारा गूगल का है और मैसेजिंग, इसके ऊपर भी कलर का आपको इफेक्ट नज़र आता है थीम की वजह से। क्योंकि अब तक जितने भी आपने थीम यूज किए होंगे गूगल डायलर और मैसेजिंग की वजह से यहाँ पे अप्लाई नहीं होते थे, बट इस बार आप देख सकते हो ये अप्लाई हो चुका है जो कि मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यूनिक लगा है इस थीम की ओर से। क्या ख्याल है आपका जरूर बताना। यहाँ पे जो आइकन है ये थोड़े ऑड टाइप के यूज किए गए, थोड़े डिफरेंट टाइप के, कोई नया शार्प यूज नहीं किया गया, लेकिन इसके वॉलपेपर के साथ ये काफ़ी अच्छा मैच करता है और एक काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे फील भी देता है। साथ साथ यहाँ पे आप देखोगे जितने भी यहाँ पे आइकन है ना, इनमें आपको अलग अलग कलर देखने को मिलते हैं ग्रेडियंट टाइप का, कहीं पे डार्क है कहीं पे फेड आउट होता हुआ है, जैसे कि मैजिक्स के आप कॉर्नर पे देख सकते हो, बीच में देख सकते हो। सेम यहाँ पे आपको वेदर पे भी दिखाई देता है, सेटिंग्स के ऊपर भी और यहाँ पे मैसेजिंग ऐप के ऊपर भी। तो ये जो ग्रेडियंट इफेक्ट दिखाई देता है ना आइकन के ऊपर, ये मुझे काफ़ी सही लगा। साथ साथ यहाँ पे आपका जो गूगल का फोल्डर है इस पर भी आइकन अप्लाई है, यहाँ पे टूल्स के अंदर भी अप्लाई है, तो मैक्सिमम ऐप्स के ऊपर इसका जो लुक है वो अप्लाई है जो कि काफ़ी अच्छा यहाँ पे फील प्रोवाइड करता है। और जैसे ही सेटिंग के अंदर इन करते हैं सेटिंग का भी पूरा का पूरा लुक चेंज है और सेम वॉलपेपर का लेआउट यहाँ पे भी दिखाई देता है। इधर डिफरेंट कलर है, यहाँ पे डिफरेंट कलर है, ऊपर डिफरेंट कलर है और यहाँ पे सारे आइकन चेंज हो चुके हैं सेटिंग का जो कि हमें 12 और 12.5 में दिखाई देता था। और यहाँ पे आप देख सकते हो डॉट डॉट और ये जो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइडेड है एक यूनिक सा प्रीमियम सा फील देता है सेटिंग के UI को। और जैसे ही अबाउट फोन में इन करते हैं यहाँ पे आप देख सकते हो जो 12 का लोगो है, 12.5 का लोगो है वो चेंज हो चुका है और यहाँ पे स्टोरेज का कलर भी अब चेंज हो चुका है। ऑल एस्पेक्ट्स में भी आपको सेम उसी तरीके से इफेक्ट देखने को मिलता है और GPU और RAM का आप देख सकते हो नया आइकन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा जो कि मुझे यहाँ पे ये सही लगा। वहीं पे अगर बैक की ओर चलते हैं और यहाँ पे इनेबल कर लेते हैं हम अपना नेविगेशन बार के अलावा जेस्चर्स वगैरह, तो देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे बदलाव आता है। तो यहाँ पे अप्लाई करने के बाद कुछ खास तो चेंज देखने को नहीं मिला, सिंपली चेंज हो चुका है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे जो हमारा नेव बार के अलावा जो जेस्चर्स है इसका जो एनिमेशन है ये कितना ज़्यादा यूनिक सा दिखाई दे रहा है और ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये हमें ब्लैक देखने को मिलता है। और यहाँ पे जो ऑन ऑफ करने के जो बटन्स वगैरह है ना उसमें भी आपको बदलाव देखने को मिल रहा होगा जो कि आप यहाँ पे नोटिस करोगे किस तरीके से काफ़ी ज़्यादा डीप ब्लू देखने को मिलता है। अगर हम इस थीम को अप्लाई करते हैं डार्क मोड पे स्विच कर जाते हैं तो देखते हैं डार्क मोड ये सपोर्ट करता है या नहीं। तो आप देखोगे कि यहाँ पे डार्क मोड को भी ये फुल्ली सपोर्ट कर रहा है और यहाँ पे भी एनिमेशन वगैरह इफेक्ट देखने को मिल रहा है और अबाउट के अंदर बस यहाँ पे जो लोगो था ये वापस आ चुका है 12 का जो कि हमें थीम का लोगो दिखाई दे रहा था, यहाँ पे डिफरेंट हो चुका है बट आइकन सेम देखने को मिल रहा है, एनिमेशन सेम देखने को मिल रहा है और कंट्रोल सेंटर में जो लुक चेंज है इस थीम की वजह से ये भी आपको चेंज दिखाई देता है। तो ये थीम आपको फुल्ली सपोर्टेड देखने को मिलता है डार्क मोड का और लाइट मोड का, तो आप दोनों में से किसी एक को यूज करते हुए यहाँ पे जो चेंज कर सकते हो बदलाव ला सकते हो। वॉल्यूम स्लाइडर हमारा चेंज अभी नहीं हुआ है तो काफ़ी टाइम लगने वाला है, कई सारे अपडेट आएंगे तब जाके शायद हमें वॉल्यूम स्लाइडर का भी चेंज देखने को मिले। और लॉक स्क्रीन पर भाई बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन नज़र आता है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग पे ये दिखाया था कि इसका चार्जिंग एनिमेशन बिल्कुल ही डिफरेंट टाइप का है जो कि आपको यहाँ पे पसंद आएगा जो कि मुझे भी ये काफ़ी ज़्यादा सही लगा। और जैसे इसे चार्जिंग से बाहर निकालते हैं यहाँ पे आपको बहुत कुछ देखने को मिलता है, जैसे कि पहले आपको यहाँ पे वेदर देखने को मिल जाएगा पूरा इन्फॉर्मेशन वगैरह, क्लॉक भी आपको डबल कलर में देखने को मिलता है। ट्रिपल लाइन पे आते हैं तो यहाँ पे क्लॉक चेंज करने का आपको फॉर्मेट देखने को मिल जाता है जो कि आप अपने मर्जी के साथ चेंज कर सकते हो जो भी आपको पसंद आता है। यहाँ पे कुछ इस तरीके से फेड आउट वगैरह भी देखने को मिलेगा और यहाँ पे कलर्स को आप इनेबल और डिसेबल भी कर सकते हो, तो ये तो क्लॉक का ऑप्शन मुझे काफ़ी सही लगा। उसका कैलेंडर आपको देखने को मिलता है, होम पे आपको म्यूजिक कंट्रोलर और कितना आपने स्टेप आज रन किया है वो सब कुछ डिटेल देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको देखने को मिलता है वेदर का इन्फॉर्मेशन। और यहाँ पे फर्स्ट पे आते हैं तो आपको कई सारे सॉफ्टवेयर देखने को मिलते हैं जैसे कि हमारा फ्लैश लाइट वगैरह यहाँ पे काम कर रहा है, ब्लूटूथ, साइलेंट, DND, वाईफाई वगैरह आप यहीं से कंट्रोल कर पाओगे। बाकी यहाँ पे आपका टेलीफोन इन्फॉर्मेशन, WeChat, यहाँ पे QQ वगैरह के शॉर्टकट दिए गए हैं जो कि आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो।
तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सही लगा। और अनलॉक होने का जो आप देख सकते हो स्टाइल किस तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये भी काफ़ी ज़्यादा अलग सा दिखाई देता है। लेकिन रही बात कि इसे यूज करना है तो क्या करना होगा हमें डाउनलोड करने के लिए, तो सिंपल सा आपको अपने थीम स्टोर पर जाना है और उसके बाद सर्च बार पे आपको इसका नाम फाइंड करना है जो कि आपको यहाँ पे दिखाई देता है लाइटर। जैसे आप इसे फाइंड आउट करोगे आपको ये नाम मिल जाएगा, 25.1 MB का है, उसका आपको डाउनलोड करना है और अप्लाई कर लेना है। मैं अभी यहाँ पे इंडियन रोम यूज कर रहा हूँ, तो अगर आप इंडियन डिवाइस में इंडियन रोम यूज कर रहे हो तो ये थीम आपको मिल जाएगा, बट आपने रीजन वगैरह चेंज कर रखा है या शायद EU या चाइना रोम डाल रखा है तो मे बी आपको ये थीम आपके थीम स्टोर में देखने को ना मिले। तो एक बार आप रीजन चेंज कर लेना, इंडिया पे सेट कर लेना, उसके बाद ट्राई करना, शायद ये आपको देखने को मिल जाए। आपको ये कैसा लगा थीम आप कमेंट करके जरूर बताना। और आई नो डेट कि काफ़ी लंबे टाइम के बाद मैं थीम का वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, बट आपको ये पसंद आता है, आप लाइक करते हो, शेयर करते हो, तो मैं एवरी वीक आपको थीम के वीडियोज प्रोवाइड करता रहूँगा या उसे जल्दी भी करूँगा, बट डिपेंड करेगा इस वीडियो के व्यूज के ऊपर और आपके लाइक के ऊपर कि आपको ये कितना ज़्यादा पसंद आता है। सो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।